हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है साप्ताहिक राशिफल। ये कमिंग वीक यानी कि 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं, और जो भी आपकी राशि है, जो भी आपका सन साइन है, उसके टाइम स्टैम्प्स मैंने दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे मेंशन करे हुए हैं। आप उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो एरीज, अगर आप इस कार्ड को देखें तो एक बहुत ही पॉजिटिव सी, बहुत ही अच्छी सी वाइब है। ग्रीन कलर के माउंटेन्स हैं, ब्लू कलर की रिवर है, और ये जो फिगर है, इन्होंने बहुत ही महंगे, बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए हैं। उनके सामने पैसों का ढेर है। तो ये पैसों का ढेर यहाँ पर सिर्फ मनी या पैसा ही नहीं रिप्रेजेंट करता, ये जो भी इन्होंने पीछे मेहनत करी है, जो भी एफर्ट्स करे हैं, उसका उसके रिजल्ट्स हैं, उसके रिवॉर्ड्स हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं एरीज इस वीक, जहाँ पे जिन भी चीज़ों पे पीछे आपने एफर्ट करा है, मेहनत करी है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो वर्क हो सकता है, वो करियर हो सकता है, वो फाइनेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि इस वीक आपको उनके रिजल्ट्स मिले, या हो सकता है कि आपको उनके रिजल्ट्स और उनके रिवॉर्ड्स मिल चुके हों। तो इस वीक मुझे दिख रहा है कि कहीं एक बहुत ज़्यादा अंदर से एक इनर सेटिस्फेक्शन है, एक इनर तसल्ली है। आप उन रिवॉर्ड्स को, इन रिजल्ट्स को देख रहे हैं और देख के खुश हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है एरीज। और हो सकता है कि ये रिवॉर्ड्स चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन डेफिनेटली इस वीक मुझे दिख रहा है कि जो भी आपने पीछे मेहनत करी है, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो रिवॉर्ड्स हैं, उनको आप देख रहे हैं और एक बहुत ही सैटिस्फाइड फील कर रहे हैं, बहुत ही खुश फील कर रहे हैं। और क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मटेरियलिस्टिक या फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, उस रिगार्डिंग कुछ हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी में हैं, जो लोग लैंड से रिलेटेड कुछ भी करते हैं, उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। एंड थोड़ा सा ये जो 9 नंबर है, ये हमें ये कहता है कि कहीं एक अकेलापन होगा, या हो सकता है कि आप अकेले ही अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करें। और ये अकेलापन इसलिए नहीं है कि आपके पास लोग नहीं हैं या आपके पास फ्रेंड्स नहीं हैं, ये अकेलापन इसलिए शायद आप ही चाहते हैं अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपने साथ डेट पे जाना और अपनी कंपनी इंजॉय करना। तो ऑल ओवर बहुत ही अच्छा रहेगा एरीज आप लोगों का ये वीक। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है स्पिरिचुअल ग्रोथ, विच सेज की हो सकता है आप लोगों में से कुछ एरीज थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, किसी सत्संग में जाएं या कोई रिलीजियस गैदरिंग को ज्वाइन करें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रीन। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पावर। तो टॉरस, अगर आप इस कार्ड को देखें तो इसमें 4 फिगर्स हैं और व्हील के आसपास हैं, और ये व्हील है, ये घूम रहा है, ये पहिया घूम रहा है। तो ये कार्ड हमें 2 चीज़ें बताता है। एक कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज़ बदलती है। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद सुबह होती है, जैसे अगर हम अपना भी जीवन देखें तो हर स्टेज में हम बदलते हैं, हर चीज़ बदलती है जीवन में। और दूसरा, जीवन चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज मुझे दिख रही हैं टॉरस आपकी। अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो हो सकता है कि एक डाउन फेज आए, क्योंकि अभी आप व्हील के ऊपर बैठे हुए हैं, तो व्हील जब घूमेगा तो थोड़ा सा आप नीचे आ सकते हैं। और जो लोग नीचे हैं, जिनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, हो सकता है चीज़ें उनके मुताबिक ना चल रही हों, बुरा चल रहा हो, तो ये व्हील घूमेगा और आप ऊपर आएंगे, आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो ये कार्ड हमें यही सिखाता है कि कभी भी अगर हमारी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है तो हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा एक प्राइड नहीं फील करना चाहिए। और अगर हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो हमें नेगेटिव नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि जो भी लाइफ में है वो ज़रूर ज़रूर चेंज होगा। और जैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए, हमें आगे मूव ऑन करते रहना चाहिए। और यही मैसेज आपको कार्ड्स दे रहे हैं कि अगर लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो परेशान ना हो, इस वीक चेंजेस आ सकते हैं। और कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि पहिया नीचे घूम सकता है। एंड ये फॉर्चून का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक लकी फेज आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ज़रूर आप थोड़े से कॉन्शियस रहें, थोड़े से अवेयर रहें। और नेक्स्ट कार्ड आप लोगों का है पावर, जो कि यही कहता है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है
तो ये समझ के उसको अवेल ना करें कि आप नहीं कर सकते हैं या इम्पॉसिबल है, या अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं तो आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ें ना। डेफिनेटली आप उसको अवेल करें, आप अपनी पावर्स को, आप अपनी शक्तियों को ज़रूर याद करें, क्योंकि आप एक बहुत ही मैजिकल, बहुत ही यूनिक बीइंग हैं और आपके अंदर हर चीज़ को पाने की, हर चीज़ को करने की क्षमता है। तो अपनी पावर्स को ज़रूर याद रखें, ये कार्ड आपको यहाँ पे यही रिमाइंड करा रहा है। और जब ये लकी फेज आएगा आपकी लाइफ में तो ज़रूर आप उसे अवेल करें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्राउन। जेमिनीज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं द मैजिशियन एंड गार्जियन एंजल। तो जेमिनीज मैजिशियन का जो एक मेन मतलब होता है वो होता है विल पावर, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। और अगर आपने मैजिशियन को देखा हो तो वो बहुत सारे काम एक ही बारी में कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक ही बारी में बहुत एफिशिएंटली जगल कर लेते हैं, जिसके लिए बहुत एक कंसंट्रेशन, बहुत एक फोकस की ज़रूरत होती है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं इस वीक। हो सकता है कि आपका ऐसा फ्रेम ऑफ माइंड हो, आपकी ऐसी एनर्जीज रहें इस वीक, या हो सकता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आए इस वीक जहाँ पे आपको एक बहुत डिटर्मिनेशन के साथ काम लेने की ज़रूरत हो, आपको बहुत ही फोकस और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम लेने की ज़रूरत हो। एंड ऑल्सो कहीं मैजिशियन आपको रियलिटी नहीं दिखाता है, एक भ्रम में, एक इल्यूजन में रखता है। तो हो सकता है कि चीज़ें जो भी आपके आसपास हो रही हैं कहीं आप रियलिटी से वाकिफ ना हो। हो सकता है जो लोग आपके पास हैं वो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा आपके साथ डिप्लोमेटिकली चलने की कोशिश करें, तो आप थोड़ा अवेयर रहें। या हो सकता है कि ऐसी सिचुएशंस, ऐसी सर्कमस्टांसेस आएँ जहाँ पे आपको चीज़ों को मैनिपुलेटली हैंडल करने की ज़रूरत हो, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चलने की ज़रूरत हो। तो जेमिनीज में आपको यही कहूँगी कि शायद मैनिपुलेटिव होना ठीक बात नहीं है, बट बहुत ज़्यादा सीधे बन के चलना या बहुत ज़्यादा सिंपल रहने से भी मसले हल नहीं होते हैं। चाणक्य भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए इंसान को, क्योंकि जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले कटते हैं। तो जो भी आपकी सिचुएशन हो थोड़ा सा आप अपने आप को मोल्ड कर लें। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है गार्जियन एंजल, जो कि कहता है कि इस वीक जिस भी एंजल को आप मानते हैं, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, वो आपके साथ होंगे। और कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको समझ नहीं आता आप क्या करें, थोड़े से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ज़रूर आप अपने गार्जियन एंजल से कनेक्ट करें। वो आपके साथ हैं और वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्राइट रेड। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं टू ऑफ कप्स एंड आर्कएंजल माइकल। तो कैंसेरियंस, टू ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ लव, रोमांस, दिल, दोस्ती। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं इस वीक जहाँ पे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर या अपनी जॉब पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा अपने रिलेशनशिप्स, अपनी लव लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं वो किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जिनके साथ उन्हें एक ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट वाली फीलिंग हो, या अदरवाइज जिन भी लोगों से वो मिल रहे हैं या किसी भी एक स्पेशल से मिलते हैं उनके साथ आप एक अलग फिजिकल, इमोशनल, मेंटल कनेक्ट महसूस कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि आपका इस वीक बॉन्ड और स्ट्रांग हो, आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। या इन जनरल टू ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है कि हम लोगों से मिलना हमें अच्छा लग रहा है, उनसे बातचीत करना हम इंजॉय कर रहे हैं और ज़्यादा हम उन पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा हमारा इंटेंशन उस तरफ है, या हमें अपने लव्ड वंस का ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, ज़्यादा वो हमारे ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप किसी लव्ड वन को सपोर्ट कर सकते हैं या कोई लव्ड वन आपको सपोर्ट कर सकता है। एंड अगर आपका क्वेश्चन वर्क बिजनेस से रिलेटेड है तो जो भी आपके वर्क कोलीग्स हैं या जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो सकता है, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल जो है वो चीफ एंजल हैं, एंजल्स के लीडर हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। तो ये इस वीक आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, आपको समझ नहीं आता आप क्या करें, तो ज़रूर आप आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट करें, उनसे हेल्प मांगें, वो आपके साथ हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है स्काई। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस।
तो लियोज, अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये जो फिगर है, इन्होंने ग्लोब पकड़ा हुआ है हाथ में, विच मीन्स कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है, और दूसरे हाथ में फायर है, विच मीन्स एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, हाई एनर्जी लेवल्स। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं लियोज, जहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त एंथुजियाज्म, बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट, बहुत ही हाई एनर्जी लेवल्स रह सकते हैं। और एसेस न्यू बिगनिंग होती है, तो कोई नई बिगनिंग हो सकती है, चीज़ें नए तरीके से शुरू हो सकती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी लियोस कि आप ये जो एनर्जी है, ये एक जो नया जोश है, नई उमंग है कुछ पाने की, कुछ करने की, इसको बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें और ज़रूर उस डायरेक्शन में जाएं। एंड जो लोग सिंगल हैं वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ थोड़ा सा फिजिकली अट्रैक्ट हो सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं आप भी एक फिजिकल अट्रैक्शन अपने पार्टनर के लिए फील कर सकते हैं, फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, और अदरवाइज ऑल्सो जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन में आप हैं, आप एक बहुत ही अलग किस्म का एक एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट फील कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो कुछ लियोस को हो सकता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस के इश्यूज हों, जहाँ पे वो अपने लिए थोड़े से क्रिटिकल हों, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा जज कर रहे हों, सही और गलत में थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस हो। तो कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली करें, क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं इस वीक, तो आप इसको एनकैश करें, और अगर कोई भी सेल्फ एक्सेप्टेंस से रिलेटेड इशू है उसको डील करें, उसको ओवरकम करें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड आंसर्ड प्रेयर। तो वर्गोस, किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे थे, बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे थे कि आपको मिल जाए, मुझे दिख रहा है इस वीक उस डायरेक्शन में कुछ हो सकता है। और वैसे भी सिक्स ऑफ वॉन्ड सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये जो इंसान है, इन्होंने अभी लड़ाई करी है, और ये जो लड़ाई के बाद की जीत है, लड़ाई के बाद की जो ये विक्ट्री है, वो सबको दिखा रहे हैं, और बहुत सारे लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनकी वाहवाही कर रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ मुझे आपकी दिखती हैं इस वीक, जहाँ पर कोई भी आपकी लाइफ का एरिया, जहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही थी, थोड़े से इश्यूज थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थी, या कोई गोल आपका जिसको आप परस्यू कर रहे हो बहुत टाइम से, वो कोई भी गोल हो सकता है, वो किसी इंसान को पाना हो सकता है, वो आपके वर्क करियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, मुझे दिख रहा है उसमें आपको कुछ सक्सेस, कुछ विक्ट्री मिल सकती है इस वीक, चाहे वो थोड़ी हो या बड़ी हो, लेकिन मिलेगी ज़रूर। और लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं, बहुत आपकी वाहवाही हो सकती है, एक सेलिब्रिटी की तरह आपको ट्रीट कर सकते हैं। एंड जब सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आता है तो हम यही बोलते हैं कि इतना ज़्यादा हमको अप्रिसिएशन मिलता है, इतना ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है, कि थोड़ा सा गुरूर आ जाता है, थोड़ा सा घमंड आ जाता है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें, रिलेशनशिप में ईगो इश्यूज हो सकते हैं, उसका आप ध्यान रखें। तो ऑल इन ऑल लियोज, सॉरी वर्गोज, बहुत ही अच्छा जाने वाला है ये वीक। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्राइट रेड। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नेचर। तो लिब्राज, कोई भी लाइफ का एरिया जिसमें पास्ट में आप थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहे थे, आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप आगे कैसे बढ़ें, आप क्या करें, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो लव लाइफ हो सकती है, वो स्टडीज़ हो सकती हैं, वो वर्क करियर से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो सकती है, मुझे दिख रहा है कहीं इस वीक उसमें क्लैरिटी आएगी, आपको एक डायरेक्शन दिखेगी कि आपको आगे कैसे जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। और ये जो क्लैरिटी आ रही है, ये आप ही की मेहनत और आप ही के एफर्ट्स की वजह से आ रही है। और ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और इस कार्ड में आप देखें तो ये नाइट बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वीक डेफिनेटली आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्पीड आएगी, थोड़ी सी तेज़ी आएगी, जो भी आपके रुके हुए काम हैं, जो बहुत टाइम से नहीं बन रहे थे और जिसमें एक स्टैग्नेंसी आ गई थी, मुझे दिख रहा है थोड़ी सी हलचल होगी, थोड़ी सी मूवमेंट होगी। एंड ऑल्सो आप इस वीक कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, वर्क रिलेटेड और अदरवाइज़, यहाँ ट्रैवल रिलेटेड प्लान्स बन सकते हैं आपके। और क्योंकि ये सोच का कार्ड है तो थोड़े से आप ब्लंट हो सकते हैं, थोड़े से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, या जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जो भी लोग आपके आसपास हैं, वो थोड़ा सा ब्लंट तरीके से बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बातचीत कर सकते हैं, जो कि किसी लेवल पे हर्ट हो सकती है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है नेचर। तो
लिब्रास इस वीक, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एग्रेसिव एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप नेचर से ज़रूर कनेक्ट करें, आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, या फिर अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए ज़रूर वॉक करें, किसी भी पार्क में, किसी भी गार्डन में ज़रूर जाएं, थोड़ी सी वॉक करें, या सिंपली यू नो आप 5-10 मिनट किसी पार्क में या किसी गार्डन में बैठें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है पिंक। स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिट्रीट। तो स्कॉर्पियोज अगर आप इस कार्ड को देखें तो इसमें ये जो फिगर हैं उनके आगे एक बेंच है, उसमें उनके टूल्स रखे हुए हैं और अपने आप को वो रेडी कर रहे हैं काम करने के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, और कुछ ऐसी ही एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं इस वीक, जहाँ पे यू नो आप मुझे अपनी लव लाइफ या अपने रिलेशनशिप पे इतना फोकस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपका ज़्यादा फोकस अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने वर्क और अपने फाइनेंसेस पे है, कैसे आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, कैसे आप उसको और बेटर करें। और जो स्कॉर्पियोज ऐसा नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए यही मैसेज है कि इस वीक आप अपने काम पे, अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इस वीक जो भी आप मेहनत करेंगे, जो भी आप एफर्ट करेंगे, वो आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़े, थोड़ा सा जगल करना पड़े। एंड एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि कुछ स्कॉर्पियोज थोड़े से इनडिसाइसिव हो सकते हैं इस वीक, जहाँ पे एक माइंड उनका कुछ कह रहा है तो दूसरा माइंड दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। एंड क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आप लोगों का रिट्रीट है, तो मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो रहे हैं, या जो भी स्कॉर्पियोज बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर इनडिसाइसिव हो रहे हैं, अगेन वो कोई भी चीज़ हो सकती है, और अगर वो लव और आपके वर्क में से कोई आपको डिसीजन लेना है, तो इस वीक आप अपने वर्क और अपने करियर को ही चूज करें, या अदरवाइज अगर किसी भी एरिया में आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं तो थोड़ा सा आप एक स्टेप बैक लें, थोड़ा सा आप रिट्रीट करें, थोड़ा सा आप यू नो अपने माइंड को रिलैक्स करें और फिर डिसीजन लें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रुथ एंड इंटीग्रिटी। तो सेजिटेरियस अगर आप इस कार्ड में देखें तो ये जो फिगर है, इन्होंने पेंटिकल्स को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, ये इस बच्चे के साथ शेयर नहीं करना चाहते, और कुछ ऐसी ही एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ है आप उसको थोड़ा टाइटली पकड़ रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है यू नो रिलेशनशिप में अगर कोई बात हो गई है, कोई मनमुटाव हो गया है, तो आप उसको बहुत टाइटली पकड़ रहे हैं, आप उसको लेट गो नहीं कर रहे हैं, या आप अपने पार्टनर के लिए थोड़े ज़्यादा पोजेसिव हो सकते हैं, आप थोड़े ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकते हैं, या हो सकता है आप ज़्यादा एक अटैचमेंट फील करें उनके लिए, या हो सकता है यू नो आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस को शेयर ना कर रहे हो, या अगर ये वर्क और करियर से रिलेटेड है तो जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जो भी यू नो आपने बहुत मेहनत से अर्न किया है, बहुत मेहनत से आपने जो भी कमाया है, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। तो अटैच होना अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा जब हम अटैच हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ से क्लिंग करते हैं, तो वो कहीं हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें सेजिटेरियस। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है ट्रुथ एंड इंटीग्रिटी, विच सेज कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं इस वीक, आप उनको कन्फ्रंट करें, उनको एक्सेप्ट करें, और सबसे पहली बात होती है कि बी Honest and be truthful to your own self. At times हम अपने आप से ही नहीं चीज़ें बताते हैं, अपने आप को ही नहीं you know express करते हैं कि हम क्या feel कर रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, या हमें life में क्या चाहिए है। हम दूसरों के साथ तो truthful रहते हैं, पर अपने आप को कहीं ignore कर देते हैं। तो cards आपको यही बोल रहे हैं कि इस week थोड़ा सा आप जब truthful हों बाकी लोगों के साथ, या you know एक integrity दूसरे लोगों के साथ रखें, तो अपने आप को ना भूलें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है स्काई ब्लू। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं द डेविल एंड फोकस। तो कैप्रिकॉन्स इस वीक थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, और वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, वो वर्क से रिलेटेड हो सकता है, वो करियर से रिलेटेड हो सकता है, वो लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि यू नो चीज़ें या लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप
एक हेल्पलेस सी फीलिंग हो सकती है और जहाँ पे आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑल्सो डेविल इज़ एडिक्शन, ऑब्सेशन, या किसी भी चीज़ के हम स्लेव हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं, और वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है काम, वर्क आपके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाए, इतना ज़्यादा आपके माइंड में रहे कि आप अपने आप को उससे फ्री नहीं कर पा रहे हैं। आप कैसे सक्सेसफुल हों, कैसे आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, आप इतना ज़्यादा उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं या उस डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहे हैं कि आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहे। या हो सकता है कि अगर ये लव लाइफ से रिलेटेड है तो आप अपने पार्टनर के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप उस चीज़ को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। तो बेसिकली हम किसी भी चीज़ के स्लेव हो सकते हैं। तो वो एक फीलिंग या वो एक एनर्जी मुझे दिख रही है। या हो सकता है कि कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करे, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ करें किसी चीज़ के लिए। तो कैप्रिकॉन्स में आपको यही बोलूँगी कि ये एक वीक की एनर्जीज़ हैं, ये निकल जाएगा और नया वीक नई होप और नई एक उम्मीद लेकर आएगा। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है फोकस, विच सेज़ कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या आपको लग रहा है जिसमें टेंशन चल रही है, परेशानी चल रही है, थोड़ा सा आप अपना फोकस उनसे हटा के जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में सही चल रही हैं, कोई तो चीज़ होगी, कोई एक चीज़ तो होगी जो आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हो, जिस जो आपको हैप्पीनेस दे रही हो, और थोड़ा सा अगर आप अपना फोकस उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्लैक। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं थ्री ऑफ कप्स एंड फॉरगिवनेस। तो एक्वेरियस थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, रीयूनियन, टुगेदरनेस, हैप्पीनेस का कार्ड है, और यही सब चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही हैं इस वीक। कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई रीयूनियन हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई शादी हो सकती है, बच्चे का नामकरण हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, और वो किसी भी एरिया में हो सकती है। ये सेलिब्रेशन आपके ऑफिस में हो सकती है, आपके घर पे हो सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल पे हो सकती है, जिसमें आप मुझे पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, बहुत मस्ती करते हुए दिख रहे हैं, या जनरल हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा आप आउटिंग्स करें, ज़्यादा आप बाहर जाएं। अगर आपका क्वेश्चन रिलेशनशिप या लव लाइफ से रिलेटेड है तो मुझे दिख रहा है हो सकता है आप अपने पार्टनर से ज़्यादा मिलें इस वीक, ज़्यादा आप डेट पे जाएं, ज़्यादा आप बातचीत करें, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करें। और अगर आपका क्वेश्चन वर्क या बिजनेस से रिलेटेड है तो हो सकता है कि इस वीक ऐसे सर्कमस्टांसेस हों, ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको ज़्यादा लोगों से मिलना पड़े, ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी पड़े। तो ऑल इन ऑल एक्वेरियस बहुत ही अच्छा जाने वाला है ये वीक। आप बहुत ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं इस वीक। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है फॉरगिवनेस, विच सेज़ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जाने अनजाने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है या किसी और ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको फॉरगिव करें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्लू। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड साइंस। तो पाइसेस क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है तो कोई भी फीमेल जो लविंग है, केयरिंग है, इमोशनल है, थोड़ी सेंटिमेंटल हैं, और वो कोई भी हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी कुलीग, आपकी वाइफ, कोई भी आपके किसी भी लाइफ के एरिया में आपको सपोर्ट कर सकती हैं या आपकी लाइफ में थोड़ा लव, थोड़ी इमोशंस, थोड़ी सी फीलिंग्स ला सकती हैं। या हो सकता है कि पाइसेस आप खुद ही थोड़ा इमोशनल फील कर सकते हैं, थोड़ा सेंटिमेंटल इस वीक फील कर सकते हैं। एक बहुत ही लविंग और एक बहुत ही केयरिंग एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, वो खुद के लिए हो सकती हैं या फिर वो दूसरों के लिए हो सकती हैं। एंड आप लोगों के लिए नेक्स्ट कार्ड है पाइसेस साइंस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। ये कहता है कि कुछ भी अगर इस वीक आप करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं, आप श्योर नहीं हैं, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको साइंस देगा। और अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर रहेंगे, थोड़ा सा भी आप चौकन्ने रहेंगे, तो आप इन साइंस को पढ़ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ काम करना है या आपको कहीं जाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो कहीं ना कहीं या तो कोई बात आपको कोई इंसान कह देगा उससे रिलेटेड, या आप टीवी में कुछ उससे रिलेटेड देख लेंगे, जिससे कि आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
एंड ऑल इन ऑल पाइसिस बहुत ही अच्छा वीक जाएगा आप लोगों का। आप लोग बहुत ही एक लविंग केयरिंग एनर्जीज में दिख रहे हैं, यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है, यूनिवर्स आपको डायरेक्शन दे रहा है एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रीन। तो ये थी रीडिंग्स आप सबके सन साइंस के लिए कमिंग वीक के लिए। और अगर आप लोग पर्सनल सेशन चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड हैव अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।